हाय गाइस, यार जब से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो भी ठीक चल रही है, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार ये देखकर बहुत बुरा लगता है। बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है और आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। तो यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आप एंड तक देखो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे राहुल भैया को किसी ने मार डाला, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। पर मुझे पता है किसने मारा। क्या तुम्हें पता है भैया को किसने मारा? जल्दी बताओ मुझे किसने मारा। अबे लड़के क्या बात कर रहा है तू काजल मैडम से? हाँ बता मुझे क्या बात कर रहा है। हाँ कुछ बात नहीं कर रहा भैया, काजल मैडम ने बोला था मैं पिज्जा टेस्ट कर रही हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुको, इसलिए रुका हुआ था। अच्छा तो ऐसी बात है, चल नीचे आ तू। हाँ भैया आता हूँ, चलो। काजल बेटा ये क्या कर रहा था पिज्जा बॉय ऊपर इतनी देर से? हाँ अरे कुछ नहीं अंकल, मैडम ने बोला था तुम यहीं पे रुको, मैं पिज्जा टेस्ट कर रही हूँ, अगर अच्छा लगा तो मैं तुम्हें टिप दूंगी, इसलिए रुका हुआ था। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर तुम जा सकते हो यहाँ से, जाओ। बाप रे बाल बाल बच गया, वरना ये आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या करता यार। अबे ओए अगर तू पिज्जा मैन है तो जो ऊपर गया था वो कौन है बता मुझे जल्दी। चलो यार अब जल्दी चलता हूँ यहाँ से। अरे अबे ये क्या बात कर रहे, कहीं इसको पकड़ तो नहीं लिया इसने, सारी पोल खुल जाएगी। अच्छा तो तू नहीं बताएगा, चल फिर ठीक है, एक पैर पे गोली मारूंगा फिर अपने आप बकेगा सब कुछ। बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ सब कुछ, सच सच बता रहा हूँ भैया, गोली मत मारना भैया प्लीज, बता रहा हूँ मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था। साले कमीने ये गोली, मर गया कमीना भाई का। क्या रे क्या बता रहा था उसे? हाँ अच्छा हुआ भाई। हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के सबसे बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है विंजो, जिस पर आप 70 GB प्लस गेम्स खेल सकते हो, फ्री फायर सीओडी जैसे गेम्स के आप उसके अंदर टूर्नामेंट भी देखने को मिल जाएंगे। इधर विंजो वर्ल्ड वॉर में गाइस आपको गेम्स के टूर्नामेंट खेलने को मिलेंगे, जिसमें आप चाहे जीतो चाहे हारो आप जीत सकते हो ढेर सारे इनाम। फर्स्ट 2 गेम आपको इसके बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पर आपको विंजो स्टोर के अंदर सभी गेम्स की करेंसी खरीदने को मिल जाएगी, वो भी बहुत भारी डिस्काउंट में, कूपन भी आपको यहाँ पर खरीदने को मिल जाएंगे। और गाइस आप अपने जीते हुए पैसे को किसी भी बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करने में हमारी तरफ से 50 रुपए का बोनस। भाई तो टाइम पे आ गया और इसको मार दिया पीछे से, वरना ये मुझको यहाँ पे सब कुछ पूछ पुछा के यहीं पे गोली से उड़ा देता, तुझे भी और मुझे भी। अरे पापा मैं उसे टिप देना तो भूल ही गई, एक मिनट आप यहीं पे रुको मैं उसे टिप दे के आती हूँ। ज्यादा रुकना मत उसके पास, जल्दी आ जाना। हाँ पापा। थैंक यू भाई यार मेरी इतनी मदद करने के लिए, कम से कम मुझे ये तो पता चला मेरे भाई के कातिलों के बारे में मुझे कौन बता सकता है। अरे अच्छा हुआ ये अभी तक यहीं पे है, चलो इसे मैं बोल देती हूँ। अरे सुनो मुझे तुमसे कुछ बोलना है, अच्छा हुआ तुम यहाँ से गए नहीं अभी तक। अरे हम तो बाल बाल बच गए, वरना अभी पकड़े जाते। अच्छा हुआ तुम बच गए, वरना मेरे पापा पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। हाँ यार ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब वो गुंडा इस पिज्जा वाले से पूछताछ कर रहा था तो मैं इसके पीछे आ गया और उसे मार दिया। अच्छा अब तुम नीचे आ गई हो तो अब मुझे बता दो मेरे भाई को किसने मारा था, इधर आओ मुझे बता दो। नहीं मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, तुम ऐसा करना कल फैक्ट्री के बाहर रोड पे खड़े रहना, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगी कल, ठीक है? अभी तुम जाओ यहाँ से वरना कोई देख लेगा। चलो फिर ठीक है, लेकिन कल तुम आ जाना फैक्ट्री के बाहर वाली रोड पे, अभी मैं चलता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल भाई चल जल्दी चल। अरे भाई मेरे पैसे तो दे दियो, तूने बोला था ना अंदर पिज्जा लेकर जाने देगा तो पैसे दूंगा, अब तो दे दियो मेरे पैसे। अरे हाँ भाई देता हूँ। चलो अब मैं भी चलती हूँ वापस मेरे रूम में ऊपर। अब कैसे जाऊँ मैं राहुल के भाई से मिलने, पापा नीचे ही हैं और चारों तरफ गार्ड लगे हुए हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ नीचे जाके देखती हूँ पापा कहाँ हैं, आराम से लगता है यहीं पे है पापा। हाँ यहीं पे है, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ से चलती हूँ फटाफट, पापा यहाँ पे बात कर रहे हैं तब तक मैं खिड़की से कूद कर यहाँ से चली जाती हूँ। चलो चलती हूँ जल्दी वरना कोई मुझे देख ना ले। अरे यार पता नहीं कब आएगी काजल, मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जा, 2 घंटे हो गए मेरे को वेट करते हुए अभी तक। अरे आ गई, कम से कम आ तो गई, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि घर पे पापा थे और गार्ड भी खड़े थे चारों तरफ,
इसलिए मैं आने में लेट हो गई। चलो फिर ठीक है, अब बताओ मुझे मेरे भैया को किसने मारा। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बता सकती, यहाँ से चलो पुलिस स्टेशन, मैं वहीं पे सब कुछ बताऊंगी, यहाँ पे हमें कोई देख सकता है, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। लो आ गया पुलिस स्टेशन, तुम अंदर चल के मेरे भाई के कातिलों के बारे में सब कुछ बता देना, ठीक है। चलो उतरो, आ गया पुलिस स्टेशन, अंदर चलते हैं। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे भाई के कातिलों के बारे में सब कुछ बता तो दूंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि पुलिस कुछ कर पाएगी। अरे तुम अगर पुलिस को बताओगी नहीं तो पुलिस कहाँ से कुछ कर पाएगी, जल्दी अंदर आओ, पुलिस वालों को बताओ जल्दी। क्या हुआ लड़के, कैसे आना हुआ? हाँ, तेरे भाई का केस अभी चल रहा है, अभी हमें कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर साहब, आपको अभी तक पता नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को पता चल गया है कि मेरे भाई को किसने मारा। आपको काजल बताएगी कि मेरे भाई को किसने मारा था। अच्छा, तो लड़के तू बोलना चाहता है हम पुलिस वाले किसी काम के नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर रहे, तेरे भाई के कातिलों को हम ढूंढ नहीं रहे, तो तू ऐसा बोलना चाहता है? हाँ, हमें कुछ पता नहीं चला और ये लड़की हमें बताएगी, कौन है वे? तू बता, क्या पता तुझे? इंस्पेक्टर साहब सुनिए मेरी बात, मुझे पता है राहुल को किसने मारा, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे पता है किसने मारा उसको। एक मिनट तुम दोनों यहीं पर रुको, मुझे कुछ काम है तो मैं वो करके आया, ठीक है, यहीं पर रुकना तुम दोनों। चलो अब मैं जल्दी गुप्ता जी को कॉल करके बोल देता हूँ, उनकी बेटी पुलिस स्टेशन में आई हुई है। हेलो हेलो गुप्ता जी, आपकी बेटी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आई हुई है आपकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मैं उन्हें रोक कर रखता हूँ, जल्दी आ जाइए आप। कहाँ गए इंस्पेक्टर साहब, कितनी देर में आएंगे? लो आगे, इंस्पेक्टर साहब अब तो सुनिए हमारी बात, आप तो हमको टाले जा रहे हैं। काजल बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे भाई को किसने मारा। नहीं नहीं, अभी दो मिनट बाद में बताना, मेरे को कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप कब सुनेंगे हमारी बात, आप कब से दो मिनट कर रहे हो। काजल क्या कर रही हो तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में? अरे पापा आप यहाँ पे? हाँ काजल मैं यहाँ पे आ गया तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन मुझे बताओ तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आई? हाँ सर सुनिए सर, आपकी बेटी को मेरे भाई के कातिलों के बारे में सब कुछ पता है सर, इसे बताने दीजिए सर। नहीं कभी नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं पता और ना ही ये कुछ बताएगी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। ओके सर, अगर आप चाहते हो आपकी बेटी कुछ नहीं बताए तो आप आपकी बेटी को यहाँ सर लेकर जा सकते हैं, पुलिस की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। चलो काजल गाड़ी में जाकर बैठ जाओ बाहर, मंगल ले चल इसे, चलो। पता नहीं फालतू में यहाँ पुलिस स्टेशन में किस लिए आई है, ले जाओ इसे बाहर, जा मंगल बैठा दे इसे गाड़ी में। सर सर प्लीज प्लीज, आप काजल को मत ले जाइए सर, प्लीज प्लीज, इसे पता है सर मेरे भाई को किसने मारा सर, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर, आपकी बेटी काजल को पता है मेरे भाई के कातिलों के बारे में सर, सर प्लीज आप काजल को मत लेके जाइए सर, काजल का बॉयफ्रेंड था मेरा भाई, प्लीज सर बताने दीजिए ना सर, आपकी बेटी को सब पता है सर। नहीं मेरी बेटी कुछ नहीं बताएगी, मेरी बेटी को मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी ऐसे केस वेस के लफड़ों में फंसे, इसलिए मैं मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। सर प्लीज सर बताने दीजिए सर, मेरे भाई के कातिलों के बारे में मुझे पता चल जाएगा सर, प्लीज बताने दीजिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर प्लीज। नहीं मेरी बेटी कुछ नहीं बताएगी समझे, और सुनो आज के बाद मेरी बेटी के साथ अगर तुम नजर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समझे, कमी नहीं कहेंगे। जा रहा हूँ मैं मेरी बेटी को यहाँ से लेकर, अभी तो आज के बाद तुम मत नजर आना। सर प्लीज बताने दीजिए सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, सर प्लीज बताने दीजिए यार, सर प्लीज बताने दीजिए, मेरे भाई के कातिलों के बारे में पता चल जाएगा सर, सर सुनिए ना सर, प्लीज सर सुनिए यार, क्या करूं। इंस्पेक्टर साहब आपने क्यों लेकर जाने दिया काजल को, आपको पूछना चाहिए था ना इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों किया ऐसा? वो उनका फैमिली मैटर है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से, पुलिस तुम्हारे भाई के कातिलों को ढूंढ लेगी, तुम बेफिक्र रहो। मुझे नहीं लगता आप लोग ढूंढ पाएंगे, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा।
अच्छा तो काजल बेटा, तो तू अपने बाप की पोल खोलने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच गई? जरा सा भी नहीं सोचा तूने कि मैं तेरा बाप हूँ? हाँ तो क्यों मारा था पापा अपने राहुल को? क्या बिगाड़ा था राहुल ने आपका? क्यों मारा था? अच्छा तो काजल, तू ऐसे नहीं मानेगी तो तेरा तो कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये केस पूरा रफा दफा नहीं हो जाता तब तक तेरे को मैं घर के ऊपर से नीचे तक नहीं आने दूंगा, समझी? ऊपर ही तेरा खाना रहना पीना सब कुछ ऊपर ही होगा, समझी? लेकर जाओ इसको ऊपर, ले जाओ इसे और बंद कर देना ऊपर, समझे? ले जाओ इसको ऊपर, मेरे ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाएगी पुलिस स्टेशन में। निकलने मत देना आज के बाद इसे घर से बाहर। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ कुछ। अरे इससे मार के भाग जाती हूँ, ये खा कमीने, मर गया। अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ जल्दी, देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं, कहीं इनको पता नहीं चल जाए। जल्दी यहाँ से ऐसा करती हूँ, राहुल के घर जाके उसके भाई को सब कुछ बता देती हूँ, कम से कम उससे तो पता चलेगा पापा यहीं पे। चलो मैं यहाँ से भाग चलती हूँ, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, राहुल के घर चलती हूँ जल्दी, मुझे कुछ देखना ले। अगर मैंने राहुल के कातिलों के बारे में नहीं बताया तो बहुत बुरा होगा। मैं जल्दी यहाँ से भाग कर चलती हूँ और राहुल के भाई को सब कुछ बता देती हूँ। फिर काजल अपने घर से भाग कर राहुल के घर पहुंच जाती है। अब क्या करूं मैं, भैया की बहुत याद आ रही है। अरे काजल तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पे आ गई तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए कि तुम्हारे भाई के कातिल कौन है। मुझे सब कुछ पता है, पुलिस स्टेशन में तो मेरे पापा आ गए थे इसलिए मैं नहीं बता पाई पुलिस वालों को, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूंगी उस दिन क्या हुआ था जब तुम्हारा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था तो मेरे पापा नहीं करूंगा, उड़ा दे साले को, ताकि ऐसी गलती आइंदा के बाद कभी कोई भी ना करे। उड़ा दे साले कमीने को, मार गोली, उड़ा दे, खत्म कर किस्सा। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए पापा प्लीज। अरे नहीं, ये क्या किया पापा? नहीं राहुल, ये क्या किया पापा आपने, क्यों किया? चलो जाओ रे, फेंक के आ जाओ साले की लाश को समुंदर में, चले जाएगी बहते बहते कहीं दूर। क्या ये सब हुआ था मेरे भाई के साथ? तुम्हारे पापा नहीं मेरे भाई को मारा था तो इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में तुम्हें बताने नहीं दे रहे थे, तभी तो तुम्हारे पापा नहीं मेरे भाई को मारा था। तो काजल यहाँ पे भाग के आई इस लड़के के पास मेरी पोल खोलने के लिए। इस लड़के को ही खत्म कर देता हूँ तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, मार देता हूँ साले को गोली, खेल खत्म। काजल मैं तुम्हारे पापा से मेरे भाई की मौत का बदला लेकर आऊंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, उनको मैं जेल करवा कर आऊंगा। अरे काजल ये क्या हुआ, तुम्हें किसने गोली मारी? हाँ अरे वो कौन है? अर्जुन वो मेरे पापा है, तुम चले जाओ यहाँ से वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। मेरे तुम चले जाओ अर्जुन यहाँ से, तुम चले जाओ। लगता है गोली काजल को लग गई, जल्दी पकड़ो उस लड़के को, वो भाग रहा है बच के, पकड़ो उसे। काजल बेटा मैंने तुम्हें बोला था ना घर से बाहर मत निकलना, देखा इस लापरवाही का नतीजा, मैं गोली उस लड़के को मार रहा था और गोली तुम्हें लग गई। हाँ जाओ रे पकड़ो उस लड़के को, साला बचकर जाना नहीं चाहिए, पीछा करो उसका, वो आ गई भागा था इधर, जाओ पकड़ो उस कमीने को, बचना नहीं चाहिए, साले को कुत्ते की मौत मारेंगे, पकड़ लेना उसे।